हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। ब्रिटेन साइंस एकेडमी में आपका वेलकम है। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला प्रश्न है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न का आंसर देने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। वह कैसे? आपने पढ़ा होगा एफ बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या चीज़, क्यू वन क्यू टू वाई आर स्क्वायर। देखिए भाई, क्या कह रहा था सवाल? सवाल पे ध्यान लगाएंगे। सवाल कहा जा रहा था क्या चीज़ कि आपके यह जो R है उसको दोगुना कर दिया गया है। जो आपका R है वह क्या कर दिया गया है? दोगुना कर दिया गया है। मतलब क्या, इस R के जगह पर क्या कर दिया गया है भाई मेरे? इस R के जगह पर दोगुना, मतलब कि दो R। तो आप दिमाग लगाएंगे तो आपके यहाँ पर यदि आप R के जगह पर दो R दीजिएगा, दो R का स्क्वायर हो जाएगा। दो R का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? नीचे आपका क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर। आप इसमें 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 और इसमें अंतर कितना का देख रहे हैं? 1/4 का ना, तो 1/4 गुना हो जाती है। कितना हो जाता है भाई मेरे? 1/4 गुना। इस सवाल को याद रखेंगे। यदि तीन गुना किया जाएगा तो 1/9 गुना हो जाएगा। 4 गुना करेंगे तो 1/16 गुना हो जाएगा। सही है। आशा करते हैं इस सवाल का आंसर आप लोग ध्यान कर लिए होंगे। कितना हो जाएगा इसका आंसर 1/4 गुना। चलिए अगला सवाल है आपका यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक याद रखेंगे क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलॉम्ब। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलॉम्ब। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो याद रखिए, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वह होता है V²/R। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होगी? तो V²/R। चलिए अगला प्रश्न है क्या चीज़? एक फैराडे जो होता है वह आपका होता है 96 एक फैराडे जो आपका होता है वह होता है 96,500 कूलॉम्ब के बराबर। सही है, किसके बराबर? 96,500 कूलॉम्ब के बराबर होता है, याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह कम जाता है, मतलब क्या होता है? घटता है। सही है, याद रहेगा, वह कम जाता है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? कम जाता है। चलिए आशा करते हैं इसको याद रखेंगे आप लोग। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक अवध शक्ति बराबर होता है 746 वाट। सही है, 746 वाट, इसको याद रखने वाला प्रश्न है। एक अवध शक्ति बराबर होता है 746 वाट। चलिए थोड़ा सा आगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, इसको भी याद रखने वाला प्रश्न है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। सही है, याद रहेगा, कितना बोल दिए हम लोग? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। चलिए और एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो याद रखेंगे भैया, किलोवाट घंटा जो मात्रक है वह है विद्युत ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा भी कहीं कहीं पे सीधा लिखा हुआ रहता है। किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का। किसका मात्रक है? यह तो ऊर्जा का मात्रक है, याद रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। एक और प्रश्न है,
सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो आप याद रखेंगे यह होता है क्या चीज़, एम बराबर वन प्लस डी वाई एफ, क्या हो जाएगा, वन प्लस डी वाई एफ, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। चलिए अगला प्रश्न है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक और सीधा होता है, क्या होता है, वह होता है काल्पनिक और सीधा, वह होता है आपका क्या चीज़, काल्पनिक होगा और क्या होगा आपका सीधा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। तो हम लोग फिर एक और आगे अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न लेके आएंगे।